नमस्कार किसान साथियों, पिछली गोबर गैस की हमने जो वीडियो डाली थी उसमें काफ़ी किसानों के कमेंट आए कि भाई वो बजट से बाहर है, वो महंगी है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी द्वारा तैयार की हुई है गोबर गैस प्लांट था जो एक बलून टाइप का था, लेकिन ये आज आप देख पा रहे हैं पक्का बना हुआ है और मात्र 12,000 रुपये में, यानी कि आपके एक साल के जितने सिलेंडर आप ले रहे हो, लगभग एक किसान जो 5-7 परिवार सदस्य हैं घर में 10-12 सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं, और जो पशुपालन कर रहा है उसे तो पशुओं के लिए बट्टा तैयार करना वो भी ज़रूरी है, या तो हम गोबर के छाने से बट्टा तैयार करें या हम लकड़ियों से तैयार करें, उसकी बजाय आप इस तकनीक से गोबर गैस से भी आप अपने पशुओं का बट्टा है वो डेली का से सकते हैं, यानी कि उबाल सकते हैं, पका सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। भाई साहब, अपने बात करें इस गोबर गैस प्लांट की, तो आपने कितने सालों से लगा रखा है, कितने सिलेंडर आप एक महीने के ले रहे हो, क्या क्या कर रहे हो? नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मुकेश कुमार पारिक है, ग्राम खींचियाँ चक 5 के चम, जिला बीकानेर का निवासी हूँ। ये आप देख रहे हैं गोबर गैस 2 घन मीटर इसका साइज है, और 2 घन मीटर का हमने बनाए 3 साल हो गए। इसकी जो टोटल लागत आती है वो 24,000 रुपये, 12,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से अनुदान है, मतलब किसान के सिर्फ 12,000 रुपये लगने, मात्र 12,000 रुपये लगा के किसान को बहुत अच्छी खाद मिलेगी जिसमें खरपतवार रही, तो इसमें खरपतवार बिल्कुल नहीं होगी, जिससे किसानों को जो खाद पौधे में अपने खाद देंगे तो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ में आज महंगाई बढ़ने के कारण रसोई गैस का जो सिलेंडर है 1100 रुपये में एक सिलेंडर आता है, और एक महीने में जिन किसान भाइयों के 2 सिलेंडर लगते हैं उनको भी ये मतलब पूर्ति करता है। रसोई में बगैर धुएं के कभी भी माताएं बहनें खाना बनाने के लिए बहुत स्वादिष्ट इस गैस पे खाना बनता है। अच्छा, ये पूरा ईंटों से बना हुआ है पक्का? हाँ जी, पक्का पूरा ईंटों से बना हुआ है, सीमेंट से। इसको बनाने में कितना खर्चा आ गया? इसको बनाने में 24,000 रुपये लगे हैं, 12,000 रुपये अनुदान मिल गया और 12,000 रुपये किसान के लगते हैं। 12,000 सब्सिडी आ गई, सिर्फ 12,000 जेब से लगे। हाँ जी, ठीक है। ये साइज आपने कितना बताया इसका? 2 घन मीटर। और इसमें कितने पशुओं का गोबर डाल देते हो आप? इसमें लगभग मान लो क्या अपने 2 पशुओं का गोबर डाल रहे हैं। 2 पशुओं का? हाँ जी। और आपका जो कितनी गैस मिल जाती है एक महीने की बात करें तो? एक महीने अपन 2 सिलेंडर की गैस मिलती है, बात करें तो मतलब 2200 रुपये की तो अपने सारी पूर्ति हो रही है। हाँ बिल्कुल, पूर्ति हो रही है, 2200 रुपये की तो अपने गैस मिल रही है। और ये जो खाद है इसकी भी बहुत ज्यादा कीमत है, अगर किसान कुछ 5 रुपये किलो बेच रहे हैं, कुछ 3 रुपये किलो बेच रहे हैं, अगर 1 रुपये किलो भी इसकी कीमत माने फिर भी 4,000 की अपने को खाद मिल रही है। अच्छा एक चीज और बताओ मुकेश जी। हाँ जी। कुछ एक किसानों का ये कहना है कि गोबर गैस में एक बार शुरू में नया नया बनाते हैं तब तो सही चलता है। हाँ जी। उसके बाद ये चोक हो जाता है, यानी ब्लॉक हो जाता है, तो ऐसी कोई समस्या आई आपको? ये बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं, मैं 3 साल से यूज रहा हूँ। इसमें चोक किन किसानों के होता है जो मतलब मिट्टी साथ में डालते है, जो अपने को गोबर जो लेना है उसमें मिट्टी नहीं हो, और डेली मतलब डेली गोबर डालना है, वो क्या है कि 10 दिन छोड़ दिया फिर डाल देते हैं, तो डेली अपने उसको डालते रहेंगे, मिट्टी नहीं होगी तो बहुत ही बढ़िया सुंदर गैस मिलेगी, पानी गर्म कर सकते हैं, दूध रोटी चाय कुछ भी इसमें काम ले सकते, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसकी जो लाइफ है, एक किसान मेरे मिलने वाले हैं जो लगभग 30 साल से चला रहे हैं इसको, गैस को चला रहे हैं, और बहुत अच्छा उनके मतलब क्या है कि फायदा हो रहा है। अच्छा एक चीज जो किसानों की दिक्कत ये रहती है कि इसमें जो सलरी है या जो खाद है उसको वैसे मतलब बाहर निकालना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं निकलती है? नहीं, अपने ये देख रहे हैं आप बिल्कुल ऑटोमेटिक निकल रही है, इसमें कुछ नहीं निकालना, और ये जो खाद है अभी इसमें क्या कि पानी भर के इसको पूरे टैंक को, जैसे अपने मैंने बनाया ये 250 क्विंटल का टैंक, 50 क्विंटल सलरी जब आ जाएगी तो इसमें 200 क्विंटल पानी मिक्स करके और वेंचुरी से मतलब पौधों के अंदर, खेजड़ियों के अंदर देंगे तो बहुत ही सुंदर शाइनिंग वाले चमक वाले पौधे होंगे। इसके अंदर सबसे मतलब जो किसान कर रहे हैं, जो आगे वाला जो टैंक है, एक तो वो नहीं बनाते, वो बनाते तो छोटा बनाते हैं तो वो क्या कि जल्दी भर जाता है, तो बड़ा टैंक वो बना लेंगे और उसमें मतलब वेंचुरी से अगर उसको मतलब लिफ्ट करवाएंगे पानी, ये खाद को उठा के वो देंगे तो लेबर भी बचेगी और पौधों के अंदर मतलब न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत बढ़िया पूर्ति होगी। ठीक है, धन्यवाद।